है एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल फूड एंड ट्रैवल व्लॉग्स विद कीर्ति। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दिल्ली का मशहूर मूंगलेट। तो आज मैं आपके लिए बनाऊंगी दिल्ली का मशहूर मूंगलेट, जो बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम नरम होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे मूंग दाल ली है, जो मैंने ये ओवरनाइट सोक करके रखी थी। चलिए अब इसको हमें अच्छे से पीस लेते हैं। ये मैंने दाल पीस ली है, अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए डालूंगी थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च। मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कलर, आप चाहें तो हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसको अच्छे से फेंटना है करीबन 5 मिनट। ज़्यादा फेंटने से क्या होता है, मूंगलेट अच्छा बनता है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, ये मैंने टमाटर, प्याज, स्वीट कॉर्न, गाजर सब काट के रखा हुआ था। नमक इसमें बाद में डालना है, क्योंकि फिर सब्जियों में भी पानी होता है तो ये पानी छोड़ती हैं, इसलिए हमें तभी सब्जियाँ डालनी हैं जब हम बेसिकली बनाने की स्टेज पे हों। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा इमो, इससे थोड़ा फ्लफी बनेगा। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने तवे पे ये मेल्ट बटर लिया हुआ था, याद रहे बटर मेल्ट ही लेना है, क्योंकि इनो डालने के बाद हमें तुरंत ही इसको तवे पे डाल देना है नॉन स्टिकी पैन पे। मैंने अप्लाई कर दिया, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रहेगा। इसको ऊपर से गार्निश करते हैं। यहाँ मैंने ये हरा धनिया काट के रखा हुआ था पहले से, आप चाहे तो गाजर अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ मैंने ये हरी मिर्च काट के रखी हुई थी, थोड़ी सी इसको ऊपर डाल दी। इसको हमें तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाना है, जब तक ये ऊपर से बिल्कुल अच्छे से सूख ना जाए तब तक हमें पकाना है इसको। तो देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट ऊपर से पक चुका है, अब इसको हम धीरे से पकाएंगे। ये देखिए एक साइड से कितना अच्छे से पक गया है, अब ये दूसरी साइड भी पकने वाला है। चलिए अब चलते हैं इसको सर्व करने की तरफ। तो गाइस देखिए कितना जल्दी ये मूंगलेट बन गया, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है, तो आप भी अपने घर में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भी आपके पास सब्ज़ियाँ अवेलेबल हैं वो भी आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो सब मैंने डाला है आप भी वही डालें। आप टमाटर प्याज डाल के भी बना सकते हैं। तो अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू।